हाईकोर्ट रूल्स का जो गेस है ये देखें, मैंने ये वॉल्यूम 3 जो है उसमें से लिया है। देखें कि अगर हम सारे जो है वो वॉल्यूम को देखें तो जो चार जो वॉल्यूम है टोटल हाईकोर्ट रूल्स के, इनको कवर करना बहुत मुश्किल है। तो अपनी लक पर जो है ना वो बिलीव करते हुए अगर हम वॉल्यूम 3 को ही पढ़ लें, मोस्टली जो है वो वॉल्यूम 3 में से एक सवाल बन जाता है। तो मैंने कुछ टॉपिक निकाले हैं, ये टॉपिक आपको हाईकोर्ट रूल्स और उसके बाद सीआरपीसी में भी फ़ायदा दे सकते हैं। इसके अलावा ये प्रैक्टिस में भी यही टॉपिक जो है, अगर आपका इजाफी जो है, अगर आप अपने आर्गुमेंट में हाईकोर्ट रूल्स का भी उसमें रेफ़र दें तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये चीज़ें जो हैं ये रोज़मर्रा प्रैक्टिस की बातें हैं, इसलिए मैंने इसको अपने टॉपिक्स में जो है वो इसमें इस्तेमाल किया है या टॉपिक्स इसमें से बनाए हैं। तो मेरा पहला टॉपिक है कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इन क्रिमिनल केसेस है। ये 353 जो है वहाँ से लेकर जो है 360 तक ऑनवर्ड है सीआरपीसी का। तो ये इधर भी इसमें हाईकोर्ट रूल्स में भी मैंने इसको जो है वो अपने गेस में लिखा हुआ है। और नंबर दो है डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट इन डिफ़ॉल्ट, कि अगर कंप्लेंट नहीं आता तो फिर क्या होगा इसमें। तो ये डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट इन डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद है कि ट्रायल इन राइट्स केस जो है, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन परेड है, और उसके बाद जो है आइडेंटिफिकेशन परेड का देखें कि तीन तरफ यानी ये इसमें भी आ गया। उसके बाद आर्टिकल 22 जो है कानून शहादत का, उसमें भी कानून शहादत का भी जो उसमें ये हो गया। और उसके बाद जो है कि पुलिस रूल्स भी हैं, क्योंकि एएस एग्ज़ाम में तो उसमें जो है 26 शरिया 32 जो है पुलिस रूल 1934 वो भी इसमें शामिल हो गया। तो ये तीनों हो गए, यानी पुलिस रूल्स का भी एक टॉपिक आ गया, इसमें भी आ गया। अब डिफरेंस बिटवीन 154 एंड 157 सीआरपीसी रिपोर्ट, ये भी अच्छा सवाल है। ये देखेंगे सिविल जज एग्ज़ाम जो है ना, हाई कोर्ट वालों ने जो उनके उसमें पंजाब जुडिशल एकेडमी की वेबसाइट पर भी ये सवाल जो है ना वो मौजूद है। अब कैंसिलेशन ऑफ केस है, ये आप देखें ये भी दोनों बल्कि तीनों टॉपिक को ये करता है। ये हाई कोर्ट रूल का भी आ गया, सीआरपीसी का भी आ गया, और पुलिस रूल जो है उसका चैप्टर 24 जो है उसका पॉइंट 7 और 173 सबसेक्शन 3 जो है, उन दोनों को ये जो है ना ये टॉपिक जो है कवर करता है। कैंसिलेशन ऑफ केस उसमें भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ केस। ये पुलिस रूल्स 1934 का है, तो ये 24 शरिया 7 है, इसके साथ 173 सबसेक्शन 3 जो है ये हमने देखना है। अब दूसरा इसके अलावा जो है, उसके अलावा कन्फेशन आ गया है जी। कन्फेशन जो है ये भी उसमें करता है, सीआरपीसी में भी इसमें है कन्फेशन 164। और उसके बाद जो है ये कन्फेशन कानून शहादत में भी आ गया है और इसमें भी आ गया है। अब उसमें है कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर व्हेन मजिस्ट्रेट इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू इन्हांस पनिशमेंट, ये इसमें भी आ गया, ये सीआरपीसी में भी आ गया। अब ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल केस है, ये भी सीआरपीसी में आ गया, इसमें भी आ गया। अब कंटेंट्स ऑफ जजमेंट है, जजमेंट आपको पता है कि 366 और 367 सीआरपीसी में ये टॉपिक है और लाहौर हाई कोर्ट रूल में भी है। अब रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इन दी एब्सेंस ऑफ अक्यूज है, ये बड़ा अहम सवाल है। ये सीआरपीसी में सिविल जज एग्ज़ाम में भी आ जाता है, ये हाई कोर्ट रूल्स का भी इसमें है। तो ये देखें 353 जो है ये उसमें रूल है कि एविडेंस शुड बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज। उसकी जो एक्सेप्शंस हैं जैसे उसकी 512 है, उसके बाद है 540 है, 540 है, 205 है, उसके बाद 116 है सीआरपीसी। तो मुख्तलिफ जो है ना इसमें और भी सेक्शन 375 है, काफ़ी सारे जो सेक्शन इससे रिलेटेड हैं। तो ये मेरे टॉपिक हैं हाई कोर्ट रूल के। देखें कि बहुत लंबा सिलेबस है, 2 माह का टाइम है, और अब दुआ मांगें कि इसी में वॉल्यूम में से यानी वॉल्यूम 3 में से ही पेपर बन जाए और इन टॉपिक्स में भी एक टॉपिक बन जाए। तो इनको ज़रूर पढ़ें, ये प्रैक्टिस के लिए भी बड़ा अहम है, ये जितने भी मैंने टॉपिक लिखे हैं। थैंक यू वेरी मच।